ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कुछ ऐसे अनरैप, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है। जैसे ये पार्ट हमने अनरैप कर दिया, अब ये अनरैप कर दिया तो मैं इसको एच राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये अनरैप नहीं हुआ, ये अनरैप हो चुका है, ठीक है। देखें यहाँ पे कि आपका यहाँ पे पार्ट है, ये अनरैप हमने कुछ ऐसा किया था कि भाई ऐसा कुछ पार्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ये अनरैप किया, ठीक है। इस अनरैपिंग को भी तो हम लोग देखेंगे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक ये अनरैप का प्रोसेस भी है यहाँ पे, क्योंकि शायद अनरैप नहीं किया, देख नहीं रहा इसलिए अनरैप नहीं किया यहाँ पे, देखो। तो ऐसे करके भी अनरैप किया जा सकता है कि ये पार्ट है भाई, अगर अनरैप करना है तो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसे हमने इतना देखा था, अब ये देख लेते हैं भाई मेरे पास क्या क्या पार्ट है। जैसे ये कुछ कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे, देखो अनरैपिंग करने के लिए यहाँ पे पार्ट क्या होता है। जैसे ये पार्ट है, अभी ये क्या है, सब एक ही है क्या? ये वन टू सब में एक में यूवी ट्रांसफर कर रखा है, ठीक है। यूवी ट्रांसफर करके आप काम करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। यूवी ट्रांसफर हम लोगों ने जैसे पिछले इसमें भी देखा था भाई, एक बार ऐसा कर रखा है देन यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, असाइन किया मैंने यहाँ पे चेकर्स का, ठीक है। यहाँ देखो सही है, अब ये यूवीज वाइज आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कि अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो इसको मैं यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज, रोटेशन क्लॉकवाइज ऐसे कर सकता हूँ। क्या ट्रांसफर हमने देखा था भाई, ये मेरा स्पॉट है, इसको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, है ना। मैच ट्रांसफर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये भी कर दिया था। देन अगर देखोगे आप यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, असाइन एंड देन चेकर्स, यहाँ देखो इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, अप्लाई, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका ऐसे मैनेज कर सकते हो भाई, कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे आराम से चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मेरे वुडन पार्ट है, कैसे है, सिंपल सा पार्ट है। इसको हम लोग अगर अनरैप करें, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट है, तो अगर मैं इनको अनरैप करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ऑटोमेटिक है यहाँ पे यूवी, देन ऑटोमेटिक है आपके पास यहाँ पे, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक एजेस अंदर की तरफ से देखना है भाई, अंदर की तरफ से एजेस कौन सा है यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये मैंने छोड़ दिया, मूव एंड सेव कर दिया, देख रहे हैं ये बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से क्रॉस चेक करना है, क्या यहाँ पे मैंने एजेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये डिसलेक्ट किया, ये अंदर की तरफ से दिख रहा है, ठीक है। मूव एंड सेव काम खत्म, मूव एंड सेव, देख रहे हैं। तो ये पार्ट आप मूव एंड सेव, ये पार्ट मूव एंड सेव कर दिया हमने यहाँ पे। अरे देखो एक प्रोसेस मैंने आपको प्रॉपर लेआउटिंग वाला बताया मैंने आपको, यहाँ पे क्या किया, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे चेकर डाल दिया यहाँ पे, देखो आपके यहाँ पे कैसे स्ट्रेस सा दिख रहा है यहाँ पे, यूवीज, ठीक है, देन लेआउट यूवीज, कैसा स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे। जब इतना स्ट्रेस है तो टेक्स्ट भी मेरा स्ट्रेस में ही आएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने अनफोल्ड यू, अनफोल्ड यू, ये कर दे देगा अभी, क्या ठीक है ना यहाँ पे। तो ऐसे करके हम लोग डील करेंगे क्या, कि अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा काम करना भी है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे पार्ट है मूव एंड सेव करना है, कर दो, इसकी वैसे नीड नहीं है, लेकिन हाँ देखो दिखेगा आपके पास यहाँ पे सेम चीज़ सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, चेकर्स पे गए, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉर्डर दिख रहे हैं, मतलब कि ये अभी अनरैप नहीं है, ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, एजेस को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको कर दिया डिसलेक्ट, मूव एंड सेव, ठीक है, देन एजेस मूव एंड सेव, एजेस मूव एंड सेव, ठीक है। इसको देख लेना भाई, तो कोई कभी ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे चेक करना है भाई कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे मूव एंड सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यू इस पे गए, अनफोल्ड यू, अनफोल्ड यू, ठीक है। देखो चेकर्स दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ऐसे करके चीज़ों को आपको मैनेज करना है, ठीक है। वन बाय वन जैसे छोटे छोटे, लाइक मेरे पास वुडन पार्ट है, अब इन वुडन पार्ट को यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं, लाइक मॉडलिंग में लोग बहुत सा काम करते हैं, बहुत डिटेल में काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये दिखने वाला पार्ट है, चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन किया चेकर्स, प्लानर ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रॉस चेक कर लें, देखो यहाँ पे यूवी दिख रहा है, यूवी एंड फ्लिप ऐसे करके ऑल टच। अभी देखो ये वुडन के कई लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग में इतनी मेहनत कर देते हैं, देखो यहाँ पे तो मॉडलिंग में इतनी मेहनत करते हैं तो फिर टेक्सचर में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, दिख रहे हैं यहाँ पे एक एक करके मॉडल बना दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, सब में यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक बार सिंपल सा चेकर्स डालता हूँ, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूवी में गए और देन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानर कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, फिर मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे चेकर्स को मैं थोड़ा सा पार्ट में लेके आऊंगा, देखो देखो यहाँ पे जैसा सेप है उस सेप को लेके आओ तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो
जब भी क्वाड मारना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ ऐसा भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर। यू इज टू सेल, देखें यहाँ पे पूरा पार्ट ऐसा कुछ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेआउट कर दें तो भी काम हो जाएगा। अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे लेआउट लाइन पे सब कुछ अलग अलग हुआ, देखें यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपको सिंपल सा टिप्स और ट्रिक्स और बताया था, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वुड टेक्सचर लिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या पुराना वुड देना है, तो मैं पुराना वुड ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ओल्ड वुड टेक्सचर कर दिया, ओल्ड वुड, इसके बाद मैंने सीमलेस कर दिया, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई भी इमेज लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे मुझे कोई टेक्सचर पैक करना है इस टाइप से, ये वाला नहीं, ये वाला अगर करना तो प्लेन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप से कुछ टेक्सचर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्सचर को उठा के लगाता हूँ, तो मैं बस वहाँ पर वो काम कर जाएगा क्या यहाँ पे। जैसे देखो सीमलेस क्यों लिया, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। फाइल सेव एज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पाथ है, यहाँ पे हॉन्टेड हॉलवे में गए, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ सेव कर दिया, और मैं स्विच करता हूँ माया में, माया में गए, यहाँ पे मैं एक बार अप्लाई करता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे दिया लाइक साइन वुड है, ब्लेन लेंगे, जिसमें साइनिंग होगा वो हम लोग क्या लेंगे, ब्लेन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए वुड, साइनिंग ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे कम भी करेंगे, देखो तो यहाँ पे स्पेकुलर देखना, यहाँ पे कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, क्या तो साइनिंग कम है देखना पड़ेगा भाई, कितना होना चाहिए लिटिल बिट, ठीक है। यहाँ पे गया मैंने टेक्सचर, मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। अभी देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी ये वुड है, यहाँ पे मैं इसकी टाइलिंग बढ़ाऊंगा, क्या रिपीट यूविज में मैंने क्या कर दिया, थ्री टैप थ्री, देखना यहाँ पे। अभी जब मैंने टाइलिंग बढ़ाया, तो टाइलिंग में क्या सही सीमलेस टेक्सचर नहीं है, अलग से लाइनें दिख रही है ना यहाँ पे, तो वो हमें टेक्सचर ऐसा चाहिए जो सीमलेस हो, इसलिए मैंने आपको ये टेक्सचर डाल के दिखाया। सीमलेस टेक्सचर में क्या होता है, उसमें आपके पास चीज़ें जैसे देखेंगे यहाँ पे मोस्टली इक्वल होगा, क्या मोस्टली इक्वल, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे दिखाता हूँ, साइज जो होता है वो इक्वल जैसे ही दिखता है, क्या जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखें एक बार ये पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट, कुछ कुछ अलग अलग पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो लेकिन जब हम लोग टेक्सचर का काम भी करेंगे, जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में आपको यूवी निकाली आप सीधे टेक्सचर अप्लाई कर दो, ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ जगह दूसरा टेक्निक भी होता है, तो मैं आपको दोनों टेक्निक ही बताने वाला हूँ। जैसे हमने पहले भी किया था लैंप में, उसमें टेक्सचर कैसे मैनेज किया, वैसे उसमें भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, नहीं देखो टेक्सचर मुझे यहाँ पे लेना है, तो टेक्सचर को मुझे कुछ ऐसे लेके चलना है, जैसे ये दिखा है कुछ इस टाइप से पार्ट। अभी ये साइज देखने के 900x600 है, 900x600 नहीं होगा, क्या जो टेक्सचर साइज होगा वो इक्वली होता है, ठीक है। होम पे गए मैंने, यहाँ पे ओल्ड टेक्सचर ही करके देखते हैं भाई, मिल जाए हम बाद में, हम लोग ओल्ड बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी सीमलेस टेक्सचर दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो पुराना बनाने की टेक्निक हमारे पास हमें देख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग वो भी देख लेंगे, तो वुड टेक्सचर कैसा है, क्या पार्ट है, चेरी वुड है, ये है, मेरे पास थोड़ा सा डार्क वुड दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 800x600 है, ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो ना, टूल्स में गए, कलर्स में गए, कलर्स मुझे कैसा चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ इस टाइप से कलर में, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का ऐसे भी मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे मिल जाए, कि लाइक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकें यहाँ पे। देखो यहाँ पे रेशो दिख रहा है, यहाँ पे रेशो को मैं देख रहा है कि रेशो अगर सेम सेम है तो मेरा काम कर जाएगा, रेशो सेम सेम नहीं है तो कई बार काम नहीं करते, क्या नहीं। देखो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, 236 है, कोई दिक्कत नहीं। इसे अप्लाई करके देखें यहाँ पे डार्क वुड, ठीक है। तो ऐसा तो कई बार छोटे टेक्सचर लेते नहीं है क्या लोग, अगर मैं यहाँ पे इसी में अप्लाई कर दूँ यहाँ पे, छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पर मैंने क्या डार्क वुड लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं टाइलिंग बढ़ा दूँगा, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, मैंने 5x5 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपको क्या, आपको टेक्सचर मिल जाएगा क्या प्रॉपर चीज़ों को। यहाँ पे आपके फ्लोरिंग ये दे रखा है ना, फ्लोरिंग में भी आपके यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी डील किया जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको लाइक सेम ऐसे ही काम किया जाए, तो वो भी पार्ट जरूरी नहीं। इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दिया, भाई अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चुक तो था मैं मैनेज करूँगा क्या,
तो इसलिए जिस फ्लोर बाई फ्लोर मैंने एक बार दिखा दिया कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सेम चीज़ यूवी ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, जो भी पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। मूव एंड सेव, एक में एक पार्ट छोड़ना है क्या मैं यहाँ पे? मूव एंड सेव कर दिया, ये अपने आप जुड़ जाएगा आपके यहाँ पे, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेने की। यूवी अनफोल्ड, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, काम खत्म। आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, क्या कई जगह ऐसा प्रोसेस भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं आपको हर जगह प्रोसेस की थोड़ी सी वैरायटी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा समझना है क्या। जैसे मेरे प्रोसेस है, इन प्रोसेस को मुझे कैसे अनरैप करना है, कैसे क्या करना चाहिए। देखो ये पार्ट दिखा है आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं चीज़ को जोड़ूंगा। देखो ये पतला है, ये मोटा ही ऐसा है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे यूवीज में ऑटोमेटिक करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ में आता है। देखो ये पार्ट अलग दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे अनरैप करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से अंदर वाले लास्ट वाले सीन छोड़ देते हैं। देखो ये देखा यहाँ पे, ये मूविंग सेव कर दे। देखो ये पार्ट दिखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं गया यूवी टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अभी नीचे वाले पार्ट में क्या, नीचे वाला पार्ट कैसे स्ट्रेच हो गया है यहाँ पे, देखे यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे मूव एंड सेव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, लाइक ओवरलैपिंग वाला पार्ट आएगा, देखे यहाँ पे। ये पार्ट आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, इतने पार्ट को मैं यहाँ से अलग कर दूँ। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल से एक बॉर्डर ही बना देते हैं यहाँ पे, देखे यहाँ पे। ये पूरा पूरा पार्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, कट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ जाके मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो मैं जोड़ जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे है मूविंग सेव, यहाँ है मूविंग सेव, हुआ। यहाँ पे गए, सबको सेलेक्ट किया, इधर का पार्ट, कॉर्नर पार्ट, लिखो। इधर से डिसलेक्ट कर तो अपने आप हट जाएगा, ये डिसलेक्ट किया, इधर से डिसलेक्ट किया, अपने आप हट जाएगा यहाँ पे। बाहर के बॉर्डर छूट जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मूविंग सेव करो, ये जुड़ गया। तो ये पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, सेलेक्ट किया मैंने, असाइन, देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चेकर्स। देखो ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ। यूवी टू सेल, यहाँ पे क्या है, रोटेशन, देखो यहाँ पे रोटेशन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ऐसा करके काम कर जाएगा। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, चलो ये पार्ट ये आ गया। जो चीज़ अलग है उसे अलग ही करके करना है क्या, अनरैपिंग को ऐसे समझो कि अनरैपिंग लेके टिप्स एंड ट्रिक्स को समझोगे तो आपके लिए ईजी होगा। अभी देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी ये वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जिसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ का जो थिकनेस वाला पार्ट है इसको मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे। मूव एंड सेव कर दिया, जुड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूवी टू सेल, इसे उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट है, एच फोर हाइट, यहाँ देखो ये दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट देखो, ये पार्ट यहाँ पे काम कर जाएगा ऊपर, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट करो, ये कहाँ कहाँ का पार्ट है यहाँ पे, फोर प्रेस करके देखो यहाँ पे। अच्छा यहाँ का पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट मैं कहाँ पर जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे जोड़ सकता हूँ क्या यहाँ पे। देखो ये ऊपर का पार्ट है, जितना एक्सट्रूड और इंट्रूड वाला पार्ट हो ना आप उसे, देखो मूविंग सेव किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे बीच वाला पार्ट छोड़ देना यहाँ पे। मूविंग सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मूविंग सेव कर दिया, जुड़ गया। ये देखो ये पार्ट कहाँ गया, ये पार्ट भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो क्या यहाँ पे, किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एज इज, ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो ये पार्ट कहाँ का, ये पार्ट नीचे का है, नीचे वाला पार्ट को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप टेक्सचर को पार्ट मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके साथ अलग रखना है, आप इसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी देना है, तो देखो कनेक्टिविटी का भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। यूवीज में गए, टू सेल किया यहाँ पे, एजिस पे गए, कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, मूव एंड सेव। ये ध्यान रखना है क्या, देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखोगे ना यहाँ पे, तो चीज़ आपके अपने आप ईजी हो जाएंगे। अभी ये डिसले कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये लास्ट वाला डिसले कर देना, ठीक है। देन मूव एंड सेव कर देना, जुड़ जाएगा। देखो अपने आपके पास ये पार्ट, सारे पार्ट्स आपके पास मैनेज होते ना जाएंगे। देखो देखना यहाँ पे ये पार्ट कहाँ का है, ये पार्ट यहाँ का है, आप यहाँ पे दे दो यहाँ पे, ठीक है। इसमें से डिसले कर दो, देन मूव एंड सेव हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये ऐसे पार्ट भी हम लोग दे सकते हैं। नीचे वाला पार्ट नीड नहीं है तो डिलीट, यूवीज कर दिया हम लोग ने यहाँ पे, शिफ्ट एंड डिलीट यूवीज, ऐसे भी काम कर जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स को भी हम लोग तरीके से अगर मैनेज करें तो बस चीज़ें अच्छी दिखेंगी। देखो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, देखिए भी दिखना नहीं है, डिलीट यूवीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पूरा पार्ट आपके पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। यूवीज कर दो, यूवीज तो ले आउट, ले आउट यूज़ कर दो आप यहाँ पे,
अब देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, कई बार ऐसा होता है मैनिफोल्ड के लाइक बहुत सी चीज़ें जो मैनिफोल्ड होने के चांसेस बनते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अभी ओवरऑल को सपोज सेलेक्ट करके मैं स्केल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके भी हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई ऐसा मुझे कुछ काम करना है, सेलेक्ट कर दिया साइन चेकर्स, तो चेकर्स आप ऐसे भी दे सकते हो, सेक्स प्रेस करो आप यहाँ पे दिखेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये देखो स्पेरिकल पार्ट है, अभी इसको देख के आपको स्पेरीफाई सिंपल सा यू में गया स्पेरिकल वाला मेथड याद आएगा, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे अभी ये बेसिक सा फंडा क्या है। देखो ऐसे में काम करो तो भी मेरे पास यहाँ पे चाहिए मैनेज होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करो यहाँ पे असाइन कर दिया चेकर्स, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यूवीज में गया, ये पार्ट यहाँ पे कट कर दो, दिस वन मूव इन स्यू, ये कर दिया यहाँ पे मूव इन स्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको अलग करना है, यूवी से अलग कर दिया सेफ टेन, यहाँ पे जैसे क्या होता है एजिस में जाके कट कर दो, क्या एजिस पे गए सेफ टेन कट, ठीक है। यूवीज पे गए देन अनफोल्ड, ये देखो ऐसे भी आएगा क्या आपका, अगर ऐसा कुछ पार्ट करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ का चेकर्स बहुत बढ़िया नहीं आ रहा, एक मेथड हमने ये कर दिया, दूसरा मेथड क्या है कि अगर देखो मैंने एक स्टूडेंट रूट बता रखा है यहाँ पे, अभी आप यहाँ से एक बॉर्डर लेते हो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे सेफ टेन कट ये कर दिया। अभी आपको टेक्स्चर कैसे करना है ये इस पर डिपेंड करता है, क्या देखो ये पार्ट आपका अलग आ गया। अभी आप इतने फेसेस को प्लानर करके भी कर सकते हो, यूवीज में गए हमने यहाँ पे क्या किया प्लानर कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये देखो आ गया यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे प्लानर कर दिया यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी आप इसे अनफोल्ड भी कर सकते हो, अनफोल्ड करो, अनफोल्ड में भी कौन सा वाला मेथड देख लेना क्या, अनफोल्ड थ्री डी करना है, ये देखो खुल गया। नीचे का देखो चेकर्स प्रॉपर आ रहे हैं, यहाँ ऊपर का देखना यूवी या फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देख रहे कैसे स्ट्रेच देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया अनफोल्ड कर दिया, प्रॉपर मैनेज हो गया, तो आपका यहाँ पे काम और भी ईजी हो जाएगा। तो ऐसे करके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने आपको बिजी में बताया था प्रॉपर एक लेआउट में सेट करके बताया, अभी मैं इसमें लेआउट सेट नहीं कर रहा, जस्ट अनरैप करके मैं दिखा रहा हूँ भाई, ऐसे भी करके हम लोग काम कर सकते हैं। डिस्प्ले पे गए सो एंड ऑल, ठीक है। तो लाइक इनमें क्या है, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो वुड वाला डाला है वुड वाला पार्ट को मैं असाइन कर दूँ यहाँ पे वुड, तो अपने आप यहाँ पे देखो सही आएगा क्या, इसको असाइन कर दूंगा वुड तो ये सही आएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो उसमें मुझे फिर कोई टेंशन नहीं है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ असाइन कर दिया वुड, वो अपने आप ठीक आने वाला है, उसमें फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी मेरे पार्ट है ना यहाँ पे ऐसे करके मैं असाइन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ठीक दिखेंगे, ऐसे करके मैं वन बाय वन जैसे ये देखा यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी यही सेम चीज़ ट्रांसफर वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। एक को किया मैंने यहाँ पे यूवी, देन मैंने यहाँ पे क्या किया ऑटोमेटिक कर दिया एज इज सेम फंडा यहाँ पे क्या मूव इन स्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक को पकड़ लो, एक यहाँ पे आ गया मूव इन स्यू, एक यहाँ पे आ गया मूव इन स्यू, ठीक है। यूवीज पे गए यूवीज अनफोल्ड, अनफोल्ड यू, ये देखो बहुत अजीब सा रहा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे अनफोल्ड वी करो, अनफोल्ड करके देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कई बार ऐसा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, एडिट पे गए डिलीट हिस्ट्री एंड यू वी पे गए यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दें यहाँ पे, मैं एक बार यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया मैंने मूव इन स्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एजिस में गए यहाँ पे मूव इन स्यू कर दिया, यहाँ पे करते हैं मूव इन स्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अनफोल्ड करते हैं अनफोल्ड यू, ये देखो अब सही है, अनफोल्ड पे गए यू कर दिया, ये देखो ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं, ऊपर नीचे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँ यहाँ पे तो उसकी कोई नीड नहीं है, ये देखो ठीक है। तो आप इसको चाहो वैसे तो इसकी नीड भी नहीं है, अगर मैं कहूँ इसको जैसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये अगर मैं फेसेस सेलेक्ट कर दिया टू यूवीज कर दिया यहाँ पे, तो इसको मैं डिलीट भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच वाला पार्ट भी लगेगा यहाँ पे, कट करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे भी गया, जब नीड नहीं है तो हम लोग उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कट कर दिया यूवीज टू सेल सेफ एंड डिलीट यूवीज, काम करता हूँ। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ अप्लाई करो वुड, ये आ गया। अभी यहाँ से मैं वन बाउन करके अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ वन टू, तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता क्या,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो ऐसे करके आप यहाँ पे डील कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे ऐसा ऐसा करके आप डील करते जाओ, तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। कई भाई मल्टी भी हो जाता है, लेकिन हाँ सेफ साइड के लिए आप ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक पता चल जाता है भाई ऐसा कुछ पार्ट है। ठीक है, देन इसी टाइप से सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस मॉडलिंग करते हम लोग क्या करते हैं, मॉडल करते हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं क्या। देखो ये पार्ट है, अभी देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैसे पता चलेगा, ये पार्ट इसमें ये भी ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे देखा था ऑल टेस्ट किया मैंने, यहाँ पे पहले इसके पॉलीगन देखो, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसमें कितने 48 वर्टेक्स है, इसमें कितने, इसमें 48, तो इसको इसको सेलेक्ट कर दो, देन अप्लाई कर दो, अपने आप यहाँ पर अनरैप हो जाएगा। यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन अप्लाई, ठीक है, सेलेक्ट करके असाइन कर दो आप यहाँ पे, तो भी आपके यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पार्ट यहाँ से मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे देखो दिस वन दिस वन, ठीक है, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, तो ये वोट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे अभी ये पार्ट देखो, ये पार्ट अनरैप है कि नहीं, कोई एक पार्ट देखो यहाँ पे ये अनरैप है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कैसा है, यू वी मैंने किया, यू वी में गया, देन ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी इससे हमारा यहाँ पे क्या पार्ट निकलता है भाई, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गए, ठीक है, एक को छोड़ देना है, ये देखो अभी यहाँ का नहीं अंदर का बॉर्डर छोड़ना है क्या यहाँ पे, तो मूव इन सीव कर दिया मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये भी ध्यान देने का कहीं ऐसा कुछ ना हो, एक एक करके भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मूव एंड स्विव, ठीक है, ऐसे करके भी हम डील कर सकते हैं। यहाँ पे मूव एंड स्विव कर दिया, यहाँ पे मूव एंड स्विव कर दिया, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, चेकर्स अप्लाई करके देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे चेकर्स, अब बड़ा छोटा आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो क्या, यहाँ पे जैसे मेरे पास कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे, ऐसे तो खैर ज़्यादा कोई वो नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कहाँ गया, एक तरफ का सेलेक्ट करो, जोड़ दो मूव एंड स्विव, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट कर दिया, मुझे अगर मैच करना है थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा मैं मैच करूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे में मैनेज कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, यहाँ पे देखो एक मैनेज करने वाली भी आपको प्रोसेस यहाँ पे ऐड ऑन करवा देता हूँ क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे भाई चलो आपके पास आपका माइंड में रहेगा, तो कोई दिखा ये मैनेज हुआ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल द पार्ट, यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन कर दिया मैंने वोट, ठीक है, यहाँ से मैं इस पर ट्रांसफर, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितने पार्ट है ना सब पे मैं असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे वोट असाइन करता हूँ, वोट देखो वोट आ कैसे रहा है, इसका अब कैसे आएगा देखो, यहाँ पे एक पहले यहाँ देखो, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इस पर सेलेक्ट करते अप्लाई किया, ठीक है, इसको इस पर सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे टेक्स्चर से आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे मैं आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो सब कुछ ए टू जेड आपके पास यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं में अगर आपको वैसा अच्छा लगता तो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे ये दिख रहा है पहला वाला पार्ट अच्छा लग रहा था, आप ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे, देखो ये पार्ट आया मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमने देखा ये पार्ट में कैसा है, ये पार्ट आपका अलग सा दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या क्या यूवीज में जाके मैंने यहाँ पे एक साथ ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसे पकड़ते हैं, यहाँ पे देखना यहाँ पे, इसको हमने क्या किया, देखो ये पीछे पार्ट ओपन कर रहा है, कई लोग मॉडलिंग में ऐसा ओपन करके रखते हैं क्या, तो हम लोग ऐसे मूव एंड सेव कर देते हैं, अपने आप जुड़ जाएगा, आपका पीछे का बॉर्डर नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, अभी इसको आप समझो यहाँ पे रिंग कर दो, रिंग किया मैंने यहाँ पे, पूरा कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इस ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दूँ यहाँ पे, तो मेरे को जोड़ने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, मूव इन स्विच कर दिया ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ मेरे देखो यहाँ पे मैं बहुत ओवर हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, लेआउट में सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तो यूविज में गए, देन मैंने यहाँ पे लेआउट लेआउट यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे चेकर्स आप अप्लाई करके देखो, तो चेकर्स आपको दिखेगा, चेकर्स बढ़िया दिखेगा, 6 प्रेस करो, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि आप जब भी देखो जो टेक्स्ट आप इक्वल करके करोगे ना, तो उसमें बेनिफिट ये मिलने वाला है, जैसे जैसे आपने देखो यहाँ पे चेकर्स मैच किया, अभी ये देखो इसके साथ अगर आप चेकर्स मैच करते हो तो क्या जो अपना टेक्स्ट यहाँ पे देखो वो टेक्स्ट यहाँ पे भी काम करेगा क्या, इसीलिए चेकर्स मैच किया जाता है क्या,
देखिए आप यहाँ पे मैं लेके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे पार्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, आर फॉर स्केल, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर थोड़ा सा अप एंड डाउन, ये देखा थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ। देखा यहाँ पे मेरा इतना काम कर जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल बात, मुझे अगर ये वुड का बनाना है तो मैं वुड का असाइन कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या वुड का मुझे असाइन करना है तो मैं यहाँ पे वुड दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है। तो ऐसे भी कुछ हम लोग पार्ट दिखा सकते हैं भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ को हम लोग यहाँ पे अनरैप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये पार्ट दिखना नहीं है, ये अनरैप तो कर दिया हमने, ये पार्ट दिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये छोटे छोटे पार्ट है, ये टाइम टेकन चीज़ें होंगे क्या, जैसे ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको भी अनरैप करने जाऊँगा तो यहाँ पे क्या है, देखो मॉडल कितना लाइक मेहनत से कर रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे क्या यूवी देन ऑटोमेटिक, यहाँ पे ऐसे भी काम चलते हैं, कई लोग बिना स्कल्पटिंग के भी काम ऐसे करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मूव इन सीव कर दिया मैंने, यहाँ पे मूव इन सीव कर दिया, मूव इन सीव कर दिया, देखना यहाँ पे। तो ये पार्ट में ऐसे ही करके भी मैं मैनेज करने वाला होगा। ओके, तो हमें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स पता रहना चाहिए भाई मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। देखो ये पार्ट है, मूव इन सीव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो जो अनवांटेड पार्ट है, इधर उधर के पार्ट है, उसको भी मैं अलग से डील करूंगा। देखो यहाँ पे ये जिस मैंने एक बेसिक और रफ तरीके से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे फोकस करो आप यहाँ पे, ये देखो देखें यहाँ पे। तो अभी इस वाले पार्ट को मुझे अलग अलग भी करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी देनी है, तो मैं यहाँ पे इन वाले पार्ट को अलग भी करूँगा। देखो ओवरलैप दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है मैंने यहाँ पे देखो कुछ इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, मूव इन सीखते हैं यहाँ पे, देखना कुछ ऐसे पार्ट भी आएंगे। तो ये थोड़ा सा क्या टाइम टेकन वाले ऑब्जेक्ट हो जाएंगे क्या, देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, इतने पार्ट को मुझे अलग करना पड़ेगा। तो इसके भी अलग मेथड है क्या, एक तो हम लोग नॉर्मल हम लोग देखा यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ देखो पहले यूवीज में देखते हैं क्या, यूवीज में एजेस कैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये एजेस आपके पास ऐसे दिख रहे हैं क्या। मॉडलिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका फ्लो कैसा है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये देखो ये आपका फ्लो दिख रहा है, ये आपने ऐसा कुछ कर रखा है, ये पार्ट आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा क्या। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक सिंपल वे में आपको अगर मैं आइडिया दूँ, तो जैसे मैंने यू पे किया, यहाँ पर मैंने क्या किया प्लानर कर दिया मैंने, पर प्लानर में आपका क्या आएगा, एक एक एंगल से आपको चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। ऊपर का पार्ट आपका ठीक आएगा, ठीक है, अब ऊपर का पार्ट आपका ठीक आ गया, ठीक है, आप ऊपर नीचे का पार्ट अगर ठीक आ गया, इनमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसके फेसेस आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो दिख रहा है ये पार्ट आपने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट आपने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इनके फेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं देखो यहाँ पे भी क्या पता चला कि भाई यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास ये कैसे आ रही है। अभी इन चीज़ को मैंने आ गया, ठीक है, टू एजिस पे गए, अभी एजिस में जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एजिस को जाके मैंने क्या कर दिया, सिंपल से शिफ्ट एंड कट कर देता हूँ। कट करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, यू वी टू सेल, इसको मैंने उठाया, ये ऊपर आ जाएगा, यू वी टू सेल नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये पार्ट देख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनको मुझे अलग से जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने रिंग कर दिया, रिंग किया मैंने यहाँ पे, रिंग करने के बाद मुझे कोई भी एक कॉर्नर एजिस छोड़ देना, मतलब कि कहीं पर मुझे जोड़ना है तो लाइक मैंने यहाँ पे अंदर के एक एजिस पकड़ लिया यहाँ पे एंड मूव इन सीव कर दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यू वी टू सेल, यहाँ पे मैंने क्या अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे अनफोल्ड, तो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, देख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ राइट क्लिक असाइन देन चेकर्स, तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है यहाँ पे। ये पार्ट में बहुत लंबा आ रहा है, अभी मैं यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यू वी टू सेल किया मैंने, लेआउट लेआउट यू वी कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो ये पार्ट में सुपर ऐसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अनफोल्ड करके देखें यहाँ पे, अनफोल्ड अनफोल्ड खुल के यहाँ पे, ऊपर का पार्ट भी कैसा आ रहा है, ऊपर पार्ट भी ठीक है और इधर का पार्ट भी ठीक है, तभी थोड़ा सा मुझे इनकी प्लेसमेंट देनी पड़ेगी। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा क्या। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आए तो उससे भी डरना नहीं है, लाइक कर सकते हैं, हर एक में ऑटोमेटिक ही काम नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलना चाहिए। अभी यूवीज में आपको अपना कमांड सेट करना है ताकि आप कल कभी कहीं जाओ तो वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सको क्या, यहाँ पे जॉब के लिए अपने जाते थे यहाँ पे, देखना यहाँ पे अभी ये पार्ट देखो यहाँ पे, ये ऊपर कितना छोटा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आर फॉर स्केल, तो यहाँ पे ये कवर अप करेगा यहाँ पे, ठीक है।
अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट पे किया, मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड कट कर दिया ताकि मैं इसको यूवीज टू सेल यहाँ पे मैं इसको बगल में लिखा हूँ। अभी सपोज आपके माइंड में आता है कि भाई मेरे पास ये कैसे है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे ये मेरे पास पार्ट है ना आर्ट फॉर स्केल, थैंक यू मास्टर, ठीक है ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या भाई। ओके अभी यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग स्केल कर दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ओके तो ऐसे करके भी हम लोग डील कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, शिफ्ट एंड लेआउट एंड लेआउट व्यूज। अभी देखो यहाँ पे अभी मैं सिंपल सा पार्ट, मैंने यहाँ पे क्या किया असाइन किया एंड मैंने यहाँ पे क्या किया वो डाला, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया दिखेगा, यहाँ देखो सब कुछ कनेक्टिविटी वाइज सब कुछ बहुत बढ़िया दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो ऐसे ही इन सबों को भी करना है क्या, सेम प्रोसेस है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं अगर अप्लाई कर दूँ चेकर्स कैसा आ रहा है, ये देखो दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा, देखो दिख रहे हैं यहाँ पे यहाँ के और इसमें चेकर्स में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर अनरैप है। तो ये चीज़ आपको ऐसे ही डील करना है कि भाई कैसे आप क्या काम कर सकते हो, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो पूरा पूरा पार्ट आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बाकी चीज़ को भी कवर अप करना है कि देखो छोटा सा पार्ट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस किया मैंने यहाँ पे, देन दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी आपके माइंड में आना चाहिए कि यूवी पे गए थे यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लानर करना, प्लानर करने पे आ जाएगा यहाँ पे, साइन कर दिया, चेकर्स डाल दिया, तो देखिएगा आपके पास अच्छा ऐसा कुछ है। अभी इसको आप यहाँ पे एक बॉर्डर से कट कर दो, यहाँ से लगता है आपको अलग अलग करना है आप अलग अलग कर दें यहाँ पे, एजिस पे गए शिफ्ट एंड कट कर दिया आपने यहाँ पे, यूवी टू सेल देन लेआउट, लेआउट यूवीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनफोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे यूवीज पे गए टू सेल देन अनफोल्ड, अनफोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे ये भी खुल के आएगा यहाँ पे। देन बॉर्डर वाइज चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको चीज़ें अलग भी आएंगी क्या, ठीक है। जैसे ये देखो ये पार्ट है आपके पास यहाँ पे यूवी टू सेल, ये डबल प्रेस करके देखते हैं ये अलग हटा नहीं है, देखो कट नहीं हुआ अलग, देखें देखें यहाँ पे, यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट है जो यहाँ पे प्रॉपर कट नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करके देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड कट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यूवी टू सेल, ये देखो ये पार्ट आपका अलग, ये पार्ट आपका अलग, यूवीज देन अनफोल्ड, अनफोल्ड कर दिया ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो ये पार्ट आपका अलग है, इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो भाई कैसे क्या क्या पार्ट है। देखो यहाँ पे ये पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, यूवीज है, ठीक है, पूरा पूरा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, देन आप यहाँ पे अनफोल्ड अनफोल्ड करके मैनेज कर सकते हो, देन लेआउट लेआउट यूवीज करके मैनेज कर लो यहाँ पे, देखिएगा आपके उस पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट कैसा है, किस टाइप का पार्ट है और चीज़ें किस टाइप से मैनेज हो रही है यहाँ पे। मॉडल को भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मॉडल कैसा है, क्योंकि मॉडल यहाँ पर जुड़े यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देखना भाई, तो मुझे अगर कोई चीज़ कट करना है तो मैं यहाँ से भी कट करके शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ें आपके पास और अलग दिखे, यू वी टू सेल, ये देखो ये पार्ट आपका अलग दिखा, ये पार्ट आपका अनफोल्ड करो, देख रहे हैं ये पार्ट मैं ऐसे अनफोल्ड कर लूँगा यहाँ पे, पता चला ये पार्ट आपका ऐसा है, फिर ये एक दूसरे को इक्वल करना है, इसको रख के आप स्केल कर लो आप यहाँ पर, देन यूवीज पे गए लेआउट लेआउट यूवीज, ये चीज़ आपके पास ऐसे मैनेज होंगे, तो ऐसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ओवरऑल चीज़ों को यहाँ पे कवर कर दूंगा यहाँ पे, देखो एक पार्ट मेरे पास ऐसा भी है तो मैं कैसे दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कर सकते हैं। तो ऐसे बाकी चीज़ को भी आपको कवर अप करना है क्या,